हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनवीएस एकेडमी पर। मैं सपना सिसोदिया आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक बेहतरीन सेशन के साथ। तो अपन पिछले सेशन में जो बात कर रहे थे वो अपन सोल्ड स्टेट के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में? सोल्ड स्टेट वाला जो अपना टॉपिक था उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। इसमें अपन ने देखा था कि सोल्ड स्टेट में जो ठोस पदार्थ है उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया है। ये क्या देखा था अपन ने? कल के सेशन में देखा था क्लासिफिकेशन जो है अपन ने देख लिया था ठोसों का। ठोसों का क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया गया है। कौन कौन से दो टाइप थे वो? पहला था तो था आकर्षण बल के आधार पर, अट्रैक्शन के आधार पर, और नंबर सेकंड पर कौन सा था? अपना कणों की व्यवस्था के आधार पर। ठीक है, तो अपन ने पहले देखा कि आकर्षण के आधार पर ठोस चार प्रकार के होते हैं। वो चार प्रकार कौन कौन से थे? नंबर फर्स्ट था अपना कौन सा? आण्विक ठोस। नंबर सेकंड आयनिक ठोस। नंबर थर्ड कौन सा था? अपना धात्विक ठोस। और लास्ट में अपना संयोजक या फिर इसको नेटवर्क ठोस भी अपन बोल रहे थे। ठीक है, इसके बाद में अपन ने देखा था कणों की व्यवस्था के आधार पर। कणों की व्यवस्था के आधार पर मैंने आपको दो प्रकार के ठोस बताए थे, नंबर फर्स्ट पर क्रिस्टलीय ठोस और नंबर सेकंड पर अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में जो डिफरेंट का क्वेश्चन था, कौन सा डिफरेंट का क्वेश्चन, वो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था कि हर एक दो साल में डिफरेंट का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, किसमें? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में। ठीक है, ये तो अपन ने कल के सेशन की चर्चा की। आज के इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? एक तो क्रिस्टलीय जालक के बारे में। किसके बारे में? क्रिस्टलीय जालक के बारे में। और नंबर सेकंड एकक कोष्ठिका या फिर यूनिट सेल के बारे में। एकक कोष्ठिका को और इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? यूनिट सेल। इसके बाद में नेक्स्ट किसके बारे में बात करने वाले हैं? क्रिस्टलीय तंत्र के बारे में। तो जो आज का अपना सेशन है वो इन तीन चीज़ों से रिलेटेड है। किस से? नंबर फर्स्ट क्रिस्टलीय जालक से, नंबर सेकंड यूनिट सेल से, नंबर थर्ड क्रिस्टलीय तंत्र से। तो अपन सबसे पहले देखेंगे क्रिस्टलीय जालक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे एकक कोष्ठिका से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान बोर्ड की जो अपनी एग्जाम होती है 12th की, फिर इसके बाद में क्रिस्टलीय तंत्र से देखेंगे। तो तीनों जो टॉपिक है, क्रिस्टलीय जालक, एकक कोष्ठिका और क्रिस्टलीय तंत्र, वो तीनों अपन आज के सेशन में देखने वाले हैं। बात करें पिछले सेशन की तो उसमें अपन ने देखा था कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके गुण क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, ये अपन ने पिछले सेशन में देख लिया था। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने देखा था कि समदेशिकता और विषमदेशिकता से रिलेटेड भी अपन ने क्वेश्चन देखा था। ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लीज़ आज का जो अपना सेशन है उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि जो आज का अपना सेशन है वो आपका कैसा लगा। ठीक है, तो अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? पहले क्रिस्टलीय जालक के बारे में। नंबर फर्स्ट पर अपन बात करने वाले हैं आज क्रिस्टलीय जालक के बारे में कि जो अपना क्रिस्टलीय जालक है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो जो अपना क्रिस्टलीय जालक है उसमें ज़्यादातर कैसे क्वेश्चन बनते हैं क्रिस्टलीय जालक में से? एक तो इसका डेफिनेशन से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। किससे रिलेटेड? डेफिनेशन से रिलेटेड नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में नंबर सेकंड क्वेश्चन क्रिस्टलीय जालक में से बन सकता है, वो इसके करेक्टर के आधार पर, गुणों के आधार पर नंबर सेकंड क्वेश्चन बन सकता है। ये तो हो गए कितने? वन वन नंबर के क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन तो अपने से ये पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें कि जो अगर अपने को दो नंबर का बड़ा क्वेश्चन पूछ ले तो वो कैसा क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर है? वो एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि डेफिनेशन लिखिए, क्रिस्टलीय जालक की परिभाषा दीजिए। नंबर सेकंड जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है वो करेक्टर से संबंधित पूछ सकता है। और लास्ट में अगर अपने को दो नंबर का बड़ा क्वेश्चन पूछे इस चैप्टर में से, ठोस अवस्था वाले में से, तो वो कौन सा पूछेगा कि क्रिस्टलीय जालक क्या होता है, इसे विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इसमें अपन को फिर डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, करेक्टर भी लिखना पड़ेगा, और लास्ट में इसकी स्ट्रक्चर भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कैसे क्वेश्चन में करना है? दो नंबर वाले क्वेश्चन में अपने को पूरा जवाब देना है, और अगर एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें डेफिनेशन और करेक्टर लिखनी है। तो सबसे पहले बात करें किसकी डेफिनेशन की, बात करें किसकी? क्रिस्टलीय जालक की। तो क्रिस्टलीय जालक की अपन डेफिनेशन की बात करें तो क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों को, कौन से कणों को? अवयवी कणों को। अब ये अवयवी कण क्या होते हैं? तो जो अवयवी कण है वो तीन अवयवी कण है, कौन कौन से? अणु, परमाणु और आयन।
तीनों अवयवी कण हैं अणु, परमाणु और आयन। तो अपन बात करें तो किसके बारे में, डेफिनेशन के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों को त्रिविम में, त्रिविम क्या होता है, एक दिक् स्थान होता है। क्या होता है, दिक् स्थान। दिक् स्थान कौन सी चीज होता है, त्रिविम होता है। तो क्रिस्टलीय जालक की डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों को त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने पर, किस क्रम में, निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त नियमित ज्यामितीय व्यवस्था क्या कहलाती है, क्रिस्टलीय जालक। ये अपना एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से अपना तैयार हो जाता है, डेफिनेशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो डेफिनेशन याद रखना, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों को त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त नियमित ज्यामितीय व्यवस्था क्या कहलाती है, अपना क्रिस्टल जालक कहलाती है। फिर नंबर सेकंड बात करें कि नंबर सेकंड क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, तो अपन ने पहली बात कर ली कि नंबर सेकंड क्वेश्चन है वो करैक्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन हो सकता है अपना, क्रिस्टलीय जालक के कोई दो अभिलक्षण लिखिए। तो नंबर फर्स्ट अभिलक्षण क्या होगा कि क्रिस्टलीय जालक में जितने भी, पहले अपने इसकी स्ट्रक्चर देख लें, क्योंकि जब अपन स्ट्रक्चर बनाना देख लेंगे तो इससे स्ट्रक्चर से अपना क्या होगा, अभिलक्षण लिखना अपना ईजी हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो ये एक घनाकार आकृति का होता है, कौन, क्रिस्टलीय जालक। इसकी स्ट्रक्चर में अवयवी कण पाए जाते हैं, इन अवयवी कणों को किस नाम से जानते हैं, अपन जालक बिंदु के नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टलीय जालक की अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो होती है इसकी ऐसे होती है, किसकी, क्रिस्टलीय जालक की। ठीक है, ये क्या हो गई, क्रिस्टलीय जालक की स्ट्रक्चर। अब इस क्रिस्टलीय जालक में जो कोने हैं वहां पर क्या पाए जाते हैं, कोनों पर अवयवी कण पाए जाते हैं, उनको मैं रेड बैंड से शो कर रही हूँ, अवयवी कणों को। ये अवयवी कण किस नाम से जाने जाते हैं, जालक बिंदु के नाम से भी जाने जाते हैं, याद रखना। तो अपन ने स्ट्रक्चर में ही इसके तीन करैक्टर देख लिए हैं, वो तीन करैक्टर कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट पर अगर अपन बात करें तो नंबर फर्स्ट करैक्टर क्या हो जाएगा कि क्रिस्टल जालक में प्रत्येक कोने पर पाया जाने वाला कण क्या कहलाता है, जालक बिंदु। तो पहला तो करैक्टर क्या हो गया, जालक बिंदु से रिलेटेड हो गया। दूसरा जो करैक्टर है इसका वो कौन सा होगा कि जो जालक बिंदु है क्रिस्टल जालक में वो किसको प्रदर्शित करता है, अवयवी कण को प्रदर्शित करता है, किसको, अवयवी कण को। नेक्स्ट जो इसका विलक्षण हो जाएगा वो तीसरा क्या हो जाएगा कि क्रिस्टल जालक में जितनी भी सरल रेखाएँ होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो सरल रेखाओं से संबंधित तीसरा क्या हो जाएगा, करैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो तीन अभिलक्षण अपन ने देख लिए क्रिस्टल जालक के, अपने इसकी स्ट्रक्चर भी देख ली। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें से अगर क्रिस्टल जालक में से क्वेश्चन पूछेगा तो वो तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। वो कौन कौन से है तीन टाइप के क्वेश्चन, पहला तो डेफिनेशन पूछेगा। तो डेफिनेशन की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों को त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त नियमित ज्यामितीय व्यवस्था क्या कहलाती है, अपना क्रिस्टलीय जालक कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में नंबर सेकंड क्या पूछेगा, क्रिस्टलीय जालक के कोई दो अभिलक्षण लिखिए। तो नंबर फर्स्ट, क्रिस्टलीय जालक में प्रत्येक कण जालक बिंदु कहलाता है। नंबर सेकंड, प्रत्येक जालक बिंदु एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है, दो अभिलक्षण पूछ सकता है अपने से। नंबर थर्ड पर कौन सा क्वेश्चन बनता है क्रिस्टलीय जालक से रिलेटेड, वो दो नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन है क्रिस्टलीय जालक क्या होता है, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो जो अपने राजस्थान बोर्ड की एग्जाम है उसमें सोल्ड स्टेट में से तीन नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो क्रिस्टलीय जालक वाला जो अपना टॉपिक है उसमें तीन नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं वो मैंने आपको अच्छे से बताया। आशा करती हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करें किसके बारे में, यूनिट सेल के बारे में, एकक कोष्ठिका के बारे में, कि एकक कोष्ठिका क्या होती है, यूनिट सेल क्या होती है। जैसे अपन ने क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन देखी ठीक उसी प्रकार अपन यूनिट सेल की डेफिनेशन देखेंगे। तो जो अपनी यूनिट सेल होती है वो क्या कहलाती है, ये क्रिस्टल जालक का छोटा से छोटा पार्ट होता है, मतलब लघुतम भाग होता है। तो क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा पार्ट जिसके अपन सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति करें तो फिर से अपने को क्या प्राप्त होता है, क्रिस्टल जालक ही प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाएगा, एक एकक कोष्ठिका। ठीक है, ये तो हो गई समझने की बात। अगर अपन को नोट कॉपी में लिखना है कि एकक कोष्ठिका, अगर अपनी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेशन से रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ पर क्या लिखना है, क्रिस्टल जालक का वह लघुतम भाग जिसकी सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर फिर से एक क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, क्या कहलाता है, एकक कोष्ठिका कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके अभिलक्षणों से संबंधित। जैसे अपन ने क्रिस्टल जालक में देखा था कि क्रिस्टल जालक के कोई दो अभिलक्षण लिखिए, तो ऐसे ही अपन यूनिट सेल में भी अभिलक्षण का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो नंबर सेकेंड क्वेश्चन क्या हो गया, अभिलक्षण मतलब करेक्टर। तो नंबर फर्स्ट तो क्या हो जाएगा इससे कि जो एकक कोष्ठिका होती है उसकी स्ट्रक्चर बनाए, जैसे अपन ने किसकी बनाई थी क्रिस्टल जालक की स्ट्रक्चर बनाई, ठीक उसी प्रकार यदि अपन एकक कोष्ठिका की स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर में अपन को एक भुजा और कोण प्राप्त होते हैं। क्या भुजा और कोण, ठीक है। जो भुजा है उनको मैं डार्क पेन से शो कर देती हूँ ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं हो कि भुजा कौन सी है। तो जो अपनी भुजा है ये तीन भुजा कौन कौन सी है, ये जो है ये तीनों क्या है भुजा, यूनिट सेल की तीनों भुजाएं ये हैं। तो इस भुजा को अपन शो करें तो ए से शो कर सकते हैं, इसको बी से शो कर सकते हैं, इसको सी से शो कर सकते हैं। इसके मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, गामा। इसके मध्य बनने वाला कोण बीटा और इसके मध्य बनने वाला कोण अल्फा। तो जो तीनों करैक्टर हैं किसके, यूनिट सेल के स्ट्रक्चर से ये अपने को प्राप्त हो जाते हैं। कौन से हैं वो तीनों करैक्टर, नंबर फर्स्ट पर तो है वो कौन सा है कि एक कोष्ठिका की प्रत्येक भुजा की लंबाई ए बी और सी से दर्शाई जाती है, ठीक है। नंबर सेकंड, एक कोष्ठिका में प्रत्येक भुजा के मध्य बनने वाला कोण अल्फा बीटा और गामा द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा कि एक कोष्ठिका में बारह किनारे, कितने किनारे होते हैं, बारह किनारे, आठ कोने और छह फलक होते हैं। अगर सिंपल वे में अगर अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूनिट सेल में कितने किनारे होते हैं, ये जो अभिलक्षण है इम्पोर्टेंट है। वैसे भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने किनारे होते हैं, कितने कोने होते हैं, कितने फलक होते हैं, तो ये भी अपन बता सकते हैं। और अगर अपने को एक नंबर का क्वेश्चन पूछे अभिलक्षण से संबंधित तो अपन उसमें पहला क्या लिखेंगे कि जो अपनी यूनिट सेल होती है उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ए बी सी द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नंबर सेकंड कि प्रत्येक भुजा के मध्य बनने वाला कोण अल्फा बीटा और गामा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नंबर थर्ड कौन सा बनेगा कि जो अपनी यूनिट सेल होती है उसमें 12 किनारे, 8 कोने और 6 फलक होते हैं, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन देख लिया, पहले क्वेश्चन डेफिनेशन से रिलेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, टाइप की। यूनिट सेल होती है वो कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो अपन प्रकार से संबंधित देखें कि यूनिट सेल के प्रकार कितने होते हैं। तो यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, नंबर फर्स्ट सरल एकक कोष्ठिका, सिंपल यूनिट सेल, सरल एकक कोष्ठिका, और नंबर सेकंड कौन सी हो जाएगी अपनी, केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। अब सरल एकक कोष्ठिका है वो तो अकेला पार्ट है, लेकिन जो अपनी केंद्रित एकक कोष्ठिका बचती है वो आगे तीन पार्ट में और डिवाइड होती है। वो तीन पार्ट कौन कौन से, नंबर फर्स्ट पर काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, कौन सी, काय केंद्रित, इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, बीसीसी के नाम से भी जानते हैं। नंबर सेकंड फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित को और शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं अपन, एफसीसी बोल सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतःकेंद्रित को सोटवे में क्या बोलते हैं अपन, ईसीसी, ठीक है। तो जो अपना राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है ट्वेल्थ का, उसमें जो है दो ही रिलेटेड हैं, कौन कौन सी, बीसीसी और एफसीसी। इसके बारे में ही अपन को पूरी डिटेल लेनी है। जो ईसीसी है वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सी अपने सिलेबस में, बीसीसी और एफसीसी वाली जो सरल एकक केंद्रित एकक कोष्ठिका है वो अपनी शामिल की गई है। कौन कौन सी, बीसीसी और एफसीसी वाली, ठीक है। तो जो अपनी यूनिट सेल होती है टाइप में दो प्रकार की होती है, सरल और केंद्रित। अब इनमें से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन का टाइप अपने को पता हो तो अपन आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो पहला तो किससे रिलेटेड पूछा गया, अवयवी कणों से। एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि अवयवी कणों की संख्या बताइए, किस किस में, बीसीसी में पूछ सकता है, एफसीसी में पूछ सकता है, नेक्स्ट किस में पूछ सकता है, ईसीसी में, सॉरी ईसीसी में अपने से पूछ भी सकता है लेकिन ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो बीसीसी और एफसीसी में से अपने को क्या पूछेगा, अवयवी कणों की संख्या पूछेगा। तो मैं पहले आपको अवयवी कणों की संख्या बता दूँ, फिर इसके बाद में अवयवी कणों की संख्या निकालना बताऊंगी, ठीक है। तो पहले बात करें कि जो अपनी सरल एकक कोष्ठिका होती है इसमें अवयवी कण कितना होता है, एक, बीसीसी में कितना होता है, दो, एफसीसी में कितना होता है, चार। अब ये अवयवी कण आए कैसे, इसको निकालने के लिए पूरा अपना मेथड अपनानी पड़ेगी। कौन सी,
ठीक है। तो जो अपना सरलीक कोष्टिका है, सरलीक कोष्टिका है, उसमें कितने कैसे क्वेश्चन पूछेगा? अव्ययीभवी कणों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो नंबर टेस्ट पर सरलीक कोष्टिका में अव्ययीभवी कणों की संख्या कितनी होती है? एक। बीसीसी में अव्ययीभवी कणों की संख्या कितनी होती है? दो। एफसीसी में कितनी होती है? चार। तो ये क्वेश्चन अपने से पूछ सकता है। इसके बाद में बात करके अव्ययीभवी कणों की संख्या निकालते कैसे है, क्योंकि जो दो नंबर का क्वेश्चन बनता है वो अव्ययीभवी कणों की संख्या निकालने से रिलेटेड भी बन सकता है कि अव्ययीभवी कणों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अव्ययीभवी कणों की संख्या निकालने के लिए अपने पास एक मेथड है, वो मेथड कौन सी है? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? सरल एकक कोष्टिका के बारे में, सिंपल यूनिट सेल के बारे में अपन बात करेंगे कि जो अपनी सिंपल यूनिट सेल होती है उसमें अव्ययीभवी कणों की संख्या कैसे निकालते हैं। पहले अपन यूनिट सेल की स्ट्रक्चर बनाए, सिंपल यूनिट सेल की। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो अपनी यूनिट सेल हैं वो घनाकार आकृति की होती है। जैसे अपना घन होता है, जैसे चौका डिब्बा, उस आकृति की अपनी यूनिट सेल होती है। ठीक है, तो अपनी जो यूनिट सेल है, सरल यूनिट सेल है, उसमें प्रत्येक कण पर एक प्रत्येक कोने पर एक कण पाया जाता है। ये कण क्या कहलाता है? जालक कण। किस नाम से जाना जाता है? जालक कण। जालक कण को अपन और नाम से भी जान सकते हैं, कौन सा? जालक बिंदु भी इसको अपन बोल सकते हैं। जालक कण या जालक बिंदु दोनों एक ही चीज है। तो जो अपनी सरल एक कोष्ठिका है उसमें टोटल कितने हो गए? आठ जालक बिंदु हो गए, आठ जालक कण हो गए। कैसे हो गए? कि प्रत्येक कोने पर एक कण पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? जालक कण। तो अपन को पहले ही पता है कि यूनिट सेल में आठ कोने होते हैं, तो इसलिए आठ कोने हैं, तो कोनों की संख्या आठ है, तो कणों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? आठ हो जाएगी। अब अपन अव्ययीभवी कणों की संख्या निकालने का फॉर्मूला बनाए कि अव्ययीभवी कणों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो अव्ययीभवी कणों की संख्या निकालने के लिए अगर अपन फॉर्मूला बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? कोने की संख्या, कोनों की संख्या कि यूनिट सेल में कोने कितने होते हैं उसकी संख्या, प्लस इसमें ऐड कितना क्या कर देंगे कि प्रति कोने के कण का योगदान, कि जो यूनिट सेल का कोना है, एक कोना, उस कोने का इस एक कोष्टिका में योगदान कितना होता है? प्रति कोने का योगदान। ठीक है, तो कोनों की संख्या है वो कितनी होती है? यूनिट सेल में आठ होती है। ठीक है, पहले ही बता दिया था, को आपको बता दिया था कि जो यूनिट सेल होती है उसमें आठ कोने होते हैं। तो अपन ने पहले फॉर्मूले में क्या लिखा है? कोनों की संख्या। तो कोनों की संख्या कितनी हो गई? आठ इंटू प्रति कोने का कण का योगदान, कि यूनिट सेल में आठ कोने पाए जाते हैं, कितने कोने? आठ। उन आठ कोने, वो आठ कोने आठ एक कोष्ठिकाओं में सहभाजित होती है, तो एक बटा आठ प्रति कोने का योगदान हो जाएगा। अब ये आठ से आठ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में कितना बचेगा? एक। तो अपन ने पहले ही देख लिया था कि जो अपना यूनिट सेल है, सॉरी सरल यूनिट सेल है, उसमें अव्ययीभवी कण कितने होते हैं? एक अव्ययीभवी कण पाया जाता है। तो इसको निकालने का तरीका भी अपन ने देख लिया कि जो अपनी सरल यूनिट सेल होती है उसमें एक अव्ययीभवी कण पाया जाता है, वो कैसे निकालते हैं? इसके लिए अपने को फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, कोनों की संख्या प्लस प्रति कोने का योगदान, प्रति कोने के कण का योगदान। तो कोनों की संख्या कितनी है अपने पास? आठ। प्रति कोने के कण का योगदान कितना हो जाएगा? एक बटा आठ। तो आठ से आठ कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में कितना बचेगा? एक। एक ही क्या होता है अपना? सरल एकक कोष्ठिका में अव्ययीभवी कणों की संख्या होती है। नेक्स्ट बात करें अपन किसके बारे में? सरल एकक कोष्ठिका के बाद में आता है अपना केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो जो केंद्रित एकक कोष्ठिका है वो दो पार्ट्स में डिवाइड थी, बीसीसी और एफसीसी में। तो पहले अपन देखेंगे बीसीसी में, इसको और किस नाम से जानते हैं अपन? काय केंद्रित के नाम से। अपने सिलेबस में ईसीसी जो यूनिट सेल है वो नहीं है। ठीक है, तो अपन बीसीसी के बारे में चर्चा करें। बीसीसी के स्ट्रक्चर बनाएं, तो बीसीसी की स्ट्रक्चर स्टेम किसके टाइप की होती है? सरल एकक कोष्ठिका की तरह ही होती है, लेकिन इसमें एक जालक कण एक्स्ट्रा पाया जाता है। वो जालक कण कहाँ पाया जाता है देखते हैं। तो जो अपनी बीसीसी होती है उसमें आठ कण तो क्या पाए जाएंगे? कोनों पर, यूनिट सेल के कोनों पर पाए जाएंगे। एक जो कण बचेगा वो यूनिट सेल के मिड में पाया जाएगा, ये क्या कहलाएगा? जालक कण। ठीक है, तो टोटल जालक कण कितने हो गए? नौ हो गए। किसमें? बीसीसी में। जालक कण कितने हो गए? नौ। अब इसको बीसीसी को निकालने का फॉर्मूला भी बनाएंगे, बीसीसी में अव्ययीभवी कणों की संख्या निकालने का फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे अपन ने किसमें बनाया? सरल एकक कोष्ठिका में। अतः बीसीसी में अव्ययीभवी कणों की संख्या, किसमें? बीसीसी में अव्ययीभवी कणों की संख्या कैसे निकालते हैं देखते हैं।
तो पहले तो क्या होगा, कोणों की संख्या, जैसे अपने सरलीकृत कोष्ठिका में देखा था सेम वही होगा, फॉर्मूला कोणों की संख्या प्लस प्रति कोने के कण का योगदान। प्लस मध्य वाले कण का योगदान, किसमें, एकक कोष्ठिका में मध्य वाले कण का योगदान कितना है, ये पार्ट भी इसमें जुड़ जाएगा, मध्य वाले कण का योगदान। क्योंकि अपने को पता है कि मध्य वाला कण इसी एकक कोष्ठिका से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसका पूरा पार्ट योगदान देगा, किसका, किसमें, यूनिट सेल के निर्माण में। तो पहले बात करें कोणों की संख्या कितनी है अपने पास, 8। प्रति कोने के कण का योगदान कितना है, 8। प्लस इसमें ऐड कितना करें, मध्य वाले कण का योगदान। तो जो अपना मिड वाला जो कण है, सॉरी जालक कण है, वो यूनिट सेल से ही रिलेटेड होता है, तो ये पूरा का पूरा अपना रोल करता है। तो यहाँ से ऐड कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अपन ने पहले ही देखा था कि जो अपनी BCC यूनिट सेल है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी थी, 2। तो अपन ने अवयवी कणों की संख्या भी इसमें निकाल ली, किसमें, BCC में। ठीक है, याद रखना सरलीकृत कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी थी, 1, और BCC में कितनी हो गई, 2। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है अपना, FCC, नंबर 3rd पर FCC, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन, फलक केंद्रित एक कोष्ठिका। अब अपन फलक केंद्रित की स्ट्रक्चर बनाए, जैसे अपन ने बीसीसी और सरलीकृत कोष्ठिका बनाई है, सेम उसी प्रकार अपन किसकी बनाएंगे, FCC की स्ट्रक्चर। तो जो अपनी FCC यूनिट सेल होती है उसमें प्रत्येक कण कोने पर पाया जाता है, ये तो तीनों यूनिट सेल में पाया जाता है, किस किस में, सरलीकृत कोष्ठिका में, BCC में और FCC में। कोने वाले कण हर एक कोष्ठिका में पाया जाता है, फिर इसके बाद में FCC में जो है प्रत्येक फलक के केंद्र में एक कण और पाया जाता है। तो एक कोष्ठिका में फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो 6 कण इसमें और पाए जाएंगे कोनों के अलावा। इसके बाद में अगर अपन FCC में अवयवी कणों की संख्या निकालने का फॉर्मूला बनाएं कि वो फॉर्मूला कैसा बनेगा, अतः अपन FCC में अवयवी कणों की संख्या निकाले, FCC में अवयवी कणों की संख्या, तो FCC में अवयवी कणों की संख्या निकालने का फॉर्मूला बनाएंगे अपन। पहले देखेंगे कोनों की संख्या, कोनों की संख्या कितनी है, 8 इंटू प्रति कोने का कण का योगदान, ये तो अपन ने सब में देख लिया है। इसके बाद में फलक की संख्या कितनी होती है, 6 इंटू प्रति फलक के कण का योगदान कितना होता है, 1/2। फॉर्मूला लिखने की अपने को जरूरत नहीं है क्योंकि अपन ने 2 देख लिए हैं, नंबर 1st पर सरलीकृत कोष्ठिका में, नंबर 2nd पर किसमें, BCC में देख लिया है। अब FCC में अपन खुद ध्यान लगा सकते हैं कैसे, कि पहले तो क्या होगा, कोनों की संख्या पूछी जाएगी, फिर प्रति कोने के कण का योगदान पूछा जाएगा, फिर फलक की संख्या पूछी जाएगी, फिर फलक के कण का योगदान कैसे होता है ये देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 3 बार, तो ये कितना बचाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। तो अपन ने पहले ही देख लिया था कि जो अपनी FCC यूनिट सेल है उसमें अवयवी कण की संख्या कितनी थी, 4। ठीक है, ऐसे अपन ने क्या देखा, इस प्रकार अपन ने अवयवी कणों की संख्या निकालना देखा, किस किस में, नंबर 1st पर सरलीकृत कोष्ठिका में, नंबर 2nd पर किस में, BCC में, नंबर 3rd पर FCC में। अपन ने सबसे पहले देखा किसके बारे में, सरलीकृत कोष्ठिका के बारे में, सरलीकृत कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी थी, 1 थी। इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने देखा BCC में, BCC में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है और FCC में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। 3 क्वेश्चन जो है अपने यहाँ पर तैयार हो जाते हैं एक एक नंबर के। इसके अलावा जो बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा अवयवी कणों की संख्या निकालने का तरीका, वो मैंने आपको अच्छे से बताया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो अपना टॉपिक था ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कि जैसे अपन ने पहले क्रिस्टल जालक स्टार्ट किया था, इसके बाद में अपन ने यूनिट सेल स्टार्ट की, यूनिट सेल अपन ने कंप्लीट की है, यूनिट सेल में अवयवी कणों से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है वो अच्छा बनता है, तो राजस्थान बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है अवयवी कणों से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करें अपन किसके बारे में, क्रिस्टलीय तंत्र के बारे में, क्योंकि अपन ने सेशन स्टार्ट करने से पहले बताया था कि सेशन में अपन आज 3 चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन सी थी वो 3 चीज़ें, क्रिस्टलीय जालक, यूनिट सेल और लास्ट में क्रिस्टलीय तंत्र। तो उनमें से अपन ने 2 चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, कौन कौन सी, नंबर 1st पर क्रिस्टलीय जालक, नंबर 2nd पर यूनिट सेल अपन ने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके बारे में, क्रिस्टलीय तंत्र के बारे में, कि जो अपना क्रिस्टलीय तंत्र होता है वो कैसा होता है। तो क्रिस्टलीय तंत्र को 8 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में,
सात पार्ट में। अब वो किस सात का क्रिस्टलीय तंत्र कौन कौन से है? नंबर फर्स्ट पर तो कौन सा है? घनीय क्रिस्टल तंत्र, घनीय। नंबर सेकंड पर कौन सा आएगा? अपना घनीय के बाद में द्विसम लंबाक्ष। नंबर थर्ड पर विषम लंबाक्ष। नंबर फोर्थ पर कौन सा आएगा? अपना षटकोणीय। नंबर फिफ्थ त्रिसमंताक्ष, ठीक है। फिर सिक्स्थ पर कौन सा आएगा? एकंताक्ष। और लास्ट में त्रिंताक्ष। सात अपन के क्या होते हैं? क्रिस्टलीय तंत्र होते हैं। तो दो अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन पांच के बारे में जिक्र करते हैं। तो नंबर फर्स्ट पर कौन सा आएगा? घनीय क्रिस्टलीय तंत्र। तो अपन ने पहले देखा था कि यूनिट सेल में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, डिस्टेंस और एंगल पाया जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक बार जो है षटकोणीय अक्षीय कोण के मान पूछे गए हैं कि षटकोणीय जो क्रिस्टलीय तंत्र होता है उसका अक्षीय कोण का मान बताइए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है? इसका एग्जाम्पल उदाहरण इसका आता है, ठीक है। तो पहले अपन बात करें घनीय क्रिस्टलीय तंत्र के बारे में। अपन को पता है डिस्टेंस को अपन एबीसी से दर्शाते हैं। अपन ने यूनिट सेल में पहले ही देख लिया था कि यूनिट सेल के विलक्षण में अपन ने देखा था कि जो दूरियां होती हैं वो एबीसी से द्वारा अपन दर्शाते हैं, ठीक है। तो जो घनीय क्रिस्टलीय तंत्र होता है उसमें तीनों अक्षीय दूरियां समान होती हैं, ठीक है। इसके बाद में एंगल की बात करें तो तीनों एंगल क्या होते हैं? समान। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना होता है? तीनों 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इसके बाद में एग्जांपल की बात करें तो इसका जो एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट है। अब अपने को घनीय क्रिस्टलीय तंत्र याद कैसे रखे? इसके लिए अपन ट्रिक बनाए याद रखने के लिए। तो जो अपना चौक का डिब्बा होता है वो किस आकार का होता है? घन के आकार का होता है। याद रखना ट्रिक है चौक का डिब्बा। इस आधार पर अपन क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं कि घनीय क्रिस्टलीय तंत्र की अक्षीय दूरियां कितनी होती है, अक्षीय कोण कितना होता है और इसके एग्जांपल कैसे होते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा क्रिस्टलीय तंत्र आता है अपने पास? द्विसमलंबाक्ष। तो द्विसमलंबाक्ष में नाम में ही पता है कि द्विसम मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो इसमें जो पहली दो भुजाएं हैं ए और बी वो समान होती है, सी दोनों से डिफरेंट होती है, ठीक है। इसके बाद में अक्षीय कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितने होते हैं? 90 डिग्री। जैसे अक्षीय कोण घनीय क्रिस्टलीय तंत्र में है ठीक उसी प्रकार किसमें है? द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टलीय तंत्र में। इसके बाद में नेक्स्ट इसका एग्जांपल आता है, तो एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? श्वेत टिन, SNO2, नेक्स्ट AiO2। तो इसका ट्रिक क्या होगा याद रखने का? कोलगेट का डिब्बा, ठीक है। जो कोलगेट का डिब्बा होता है उसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है। ऊपर वाली भुजा नीचे वाली भुजा समान होती है, इधर वाली और इधर वाली समान होती है, इस साइड वाली और इस साइड वाली समान होती हैं। तो जो चौके डिब्बे की दो भुजाएं होती हैं वो आपस में समान होती हैं, ठीक है। इसके बाद में बात आती है विषम लंबाक्ष क्रिस्टलीय तंत्र की। तो अपना जो विषम लंबाक्ष क्रिस्टलीय तंत्र होता है उसकी विषम लंबाक्ष मतलब जिसकी एक भी भुजा समान नहीं हो, तो इसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती है। ए बराबर नहीं होता है बी के, बी किसके बराबर नहीं होता है? सी के। इसके बाद में इसके एंगल की बात करें तो एंगल जो घनीय क्रिस्टलीय तंत्र का था और जो द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टलीय तंत्र का था ठीक उसी प्रकार एंगल किसका होता है? विषमलंबाक्ष का। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। इसके बाद में इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है? विषमलंबाक्ष गंधक। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा? BaSO4। लास्ट में KNO3। इसके तीन एग्जाम्पल है याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल से रिलेटेड भी क्वेश्चन अच्छा बनता है। इनमें से ज़्यादातर अक्षीय कोण पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय तंत्रों के अक्षीय कोण के जो मान है वो अपने को ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है? षटकोणीय। षटकोणीय में क्या होता है? ए बराबर नहीं होता है, ए बराबर बी बराबर होता है लेकिन सी के बराबर ये नहीं होते हैं। इसके बाद में इसके अक्षीय कोण जो होते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर दो कोण तो क्या होते हैं? समान होते हैं। कौन कौन से? अल्फा और जो अपने बीटा कोण हैं वो तो क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन जो अपना गामा कोण है वो इन दोनों से डिफरेंट होता है, ठीक है। किससे? अल्फा और बीटा से। अल्फा बराबर बीटा बराबर तो कितना होता है? 90 डिग्री, लेकिन गामा कितना होता है? 120 डिग्री, ठीक है।
डिफरेंट है। इसके बाद में षटकोणीय क्रिस्टलीय तंत्र के एग्जाम्पल होते हैं कौन कौन से, Mg, मैग्नीशियम, जिंक, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ग्रेफाइट भी क्या होता है, षटकोणीय क्रिस्टलीय तंत्र का एग्जाम्पल होता है। इसके बाद में त्रिसमंताक्ष आता है, लास्ट में फिर षटकोणीय, सॉरी एकंताक्ष, फिर त्रिंताक्ष आता है। तो तीनों क्रिस्टलीय तंत्र अपन देखिए, पहले कौन सा आएगा फिफ्थ नंबर पर, त्रिसमंताक्ष। तो जो अपना त्रिसमंताक्ष क्रिस्टलीय तंत्र होता है उसके लिए अक्षीय दूरियां क्या होती हैं, तीनों समान होती है, ए बराबर बी बराबर सी, लेकिन जो कोण है तीनों वो समान होते हैं लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होते, तीनों किसके बराबर होते हैं, 120 के बराबर होते हैं। या फिर इसको बोल सकते हैं कि अल्फा और बीटा और गामा तीनों समान होते हैं लेकिन ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होते, ठीक है। इसके बाद में इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्साइट और सिनबार जो है इसके एग्जाम्पल है। कैल्साइट और सिनबार एग्जाम्पलों के फॉर्मूले भी याद रख लेना क्योंकि कई बार फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। कैल्साइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaCO3, और सिनबार का क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फेट, ठीक है, HgS। इसके बाद में नंबर सिक्स पर कौन सा आएगा अपना, एकंताक्ष। तो जो अपना एकंताक्ष क्रिस्टलीय तंत्र है, एकन मतलब जिसकी एक भी भुजा समान नहीं हो, तो इसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती है, अल्फा नोज इक्वल टू बी, बी नोज इक्वल टू किस, नोट इक्वल टू किसके, सी, ठीक है। तो इसके बाद में इसके अक्षीय कोण की बात करें किसकी, एकंताक्ष की, तो अल्फा और बीटा किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं, लेकिन जो गामा होता है वो कितने के बराबर होता है, 120 डिग्री के, सॉरी अल्फा और गामा किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के, और जो अपना बीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 120 डिग्री के बराबर, ठीक है। इसके बाद में एकंताक्ष क्रिस्टलीय तंत्र के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, एकंताक्ष गंधक। जैसे अपन ने विषम लंबाक्ष का एग्जाम्पल देखा था उसमें विषम लंबाक्ष गंधक देखी थी, ठीक उसी प्रकार इसमें एकंताक्ष गंधक देखेंगे। फिर इसके बाद में Na2SO4.10H2O, मतलब किसका फॉर्मूला है, ये धावन सोडा का फॉर्मूला है। जो अपना धावन सोडा होता है वो एक एकंताक्ष क्रिस्टलीय तंत्र होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा, लास्ट में कौन सा बचता है अपने पास, एकंताक्ष के बाद में त्रिंताक्ष। तो जो अपना त्रिंताक्ष क्रिस्टलीय तंत्र होता है उसकी भी कोई सी भी भुजा, तीनों भुजाएं समान नहीं होती है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आता है, इसकी अक्षीय कोण से रिलेटेड, तो जो तीनों कोण होते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नोज इक्वल टू कितने, 120 डिग्री, ठीक है। इसके बाद में एग्जाम्पल पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका एग्जाम्पल होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये क्या है इसका फॉर्मूला। अपन त्रिसमंताक्ष जो क्रिस्टलीय तंत्र है इसको एक और नाम से जानते हैं, त्रिकोणीय क्रिस्टल तंत्र भी इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो जो अपना आज का सेशन था उसमें अपन ने क्रिस्टलीय जालक से लेकर क्रिस्टलीय तंत्र तक तीनों चीज़ें देख ली है। क्रिस्टलीय जालक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, नेक्स्ट अपने यूनिट सेल से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए, लास्ट में क्रिस्टलीय तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए। तो प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।